नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप मेरे साथ भूम फिलहाल में लाइव देखे हैं, लाइव देख रहे हैं, और मैं भूम कल समाचार से वीरेंद्र कुमार यादव लाइव रिपोर्टर, और देख सकते हैं अभी रात के 2:30 बजे, और ये दो जो हाईवे है पूरे रेत से भरा हुआ है और 10 हाईवे है टोटल ऐसी, और जैसे कि आप लगातार हम भूम काल के तरफ से ये जो खबर को प्रकाशन कर रहे हैं, और जैसे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और देख सकते हैं एक गाड़ी खड़ी है, और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है जो रेत तस्करों को नहीं पकड़ पा रही है, जो भूम आपिया हैं, और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ भूम काल में लाइव जुड़े हुए हैं भूम काल समाचार से, और देख सकते हैं अभी माइनिंग अधिकारी को फ़ोन किया गया, लेकिन माइनिंग अधिकारी के द्वारा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और आसपास से भी कोई संपर्क नहीं हो रहा है। देख सकते हैं पूरा ये जो हाईवा है पूरा ये भरा हुआ है, पूरा लोड हुआ है, और एक हाईवा एक इधर है, दोनों हाईवा भर और आगे में और हाईवा है, और उससे हम कोशिश कर रहे हैं माइनिंग अधिकारी से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम भी आपका? पर्यावरण पे आप और? रामा। कहाँ से आए हो? राजनांदगांव से। और कहाँ ले जा रहे हो रेत को? राजनांदगांव। और कुछ परमिट है, कुछ लाइसेंस है? हाँ, रॉयल्टी नहीं, बिना रॉयल्टी के ले जा रहे हो? और आपके मालिक क्या नाम ले? राहुल। यहाँ किसके पास से रेती आप जो रहे हो? इसके यहाँ यहाँ गांव में कौन से गांव से जो रहे हो? दोनों गाड़ी आपकी है। क्या गांव का नाम है? क्या करना है आपकी गाड़ी का? नारा ऐसा कुछ तो नाम है, सामने बस्ती पता नहीं कौन सा, गुरपार कुकड़ी क्या बोलते हैं? गाड़ी नंबर क्या है मेरा? तो